हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे एलोवेरा का हलवा। एलोवेरा को हम घी कुंवार भी कहते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये मैंने अपने घर पर ही लगा रखे हैं और ये हमारे यहाँ बहुत सारे आते हैं। अगर आपके घर पर भी ये हैं तो बहुत अच्छी बात है। सब लोगों को पता ही होगा ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा ले लिया है। मैंने मोटे मोटे और अच्छे अच्छे जो लीव्स थे उन्हें कट किया है। आपको भी जब हलवा बनाना हो तो आप भी मोटे मोटे जो पत्ते होते हैं उनको लेना, क्योंकि वो इजी होता है उन्हें पील करने में। और जब आप उन्हें छीलेंगे तो आपको आसानी होगी। यहाँ मैंने करीब आधा किलो एलोवेरा लिया है और अब मैं इन्हें अच्छे से वॉश करूँगी। तो हमारा एलोवेरा अच्छे से वॉश हो गया है। अब मैं इन्हें एक एक करके पहले जो इनके साइड में काटे हैं जो भी हैं उन्हें हटाऊंगी और उसके बाद मैं इन्हें अच्छे से पील करूंगी। आपको भी ऐसे ही करना है। आप देख सकते हैं इनमें कुछ निशान हैं, वो काले काले, तो वो आपको छीलते टाइम अच्छे से निकाल देने हैं। अच्छे से पील करने के बाद अब हम इसका जेल अलग निकाल देंगे। तो मैंने सबको अच्छे से पील कर लिया है और इसके बाद मैंने इन्हें वॉश किया है। यहाँ मैंने लिया है 2 किलो दूध और मैंने इसे बस थोड़ा सा गुनगुना किया है। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे और उस दूध को कढ़ाई में डाल देंगे। तो एक साइड हमारा कढ़ाई में दूध बॉईल हो रहा है, दूसरी साइड हमें एक भगोने में थोड़ा सा पानी लेना है और उसको भी बॉईल करना है। एक बॉईल आने के बाद हम दूध में 6 से 7 सफ़ेद इलायची डालेंगे। देख सकते हैं एक साइड हमारा पानी बॉईल हो रहा है, दूसरी साइड दूध बॉईल हो रहा है। इस स्टेज पे आके हम अपने पानी में एलोवेरा का जो जेल हमने निकाला था उसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद हमें एलोवेरा को थोड़ी देर पकाना है। अब हम एलोवेरा को पानी में से अच्छे से निकालेंगे और उसको दूध के अंदर डालेंगे। ऐसे ही हमें सारा एलोवेरा पानी से निकालना है और दूध में डालना है। ऐसे करने से दूध कभी नहीं फटेगा। लोग कहते हैं उनका हलवे में दूध फट जाता है, तो अगर आप पानी में बॉईल करने के बाद एलोवेरा को डालेंगे तो दूध कभी नहीं फटेगा। आप देख सकते हैं मेरे हलवे का दूध भी नहीं फटा है। बचा हुआ जो पानी है आप उसको ठंडा करके किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एलोवेरा के जितने फ़ायदे बताऊं उतने कम हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। अब मैंने इसके बाद लिया है 1/2 किलो छुआरे। ये मैंने ओवरनाइट सोक किए हैं और इसको मैंने दूध में डाल दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे।
तो मैंने इसे काफ़ी देर तक पकाया है और आप देख सकते हैं कि पहले दूध की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा थी और अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इसके बाद आप देख लें कि दूध हमारा अभी तक नहीं फटा है। तो ये पूरी तरीके से पक गया है, अब हम इसे साइड कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और इसके बाद मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। और जो हलवा हमने तैयार किया था हमें इसको भी ग्राइंड करना है। तो मेरे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड हो गए हैं और मैंने इन्हें रफली ही ग्राइंड किया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया। हलवे को भी मैंने रफली ग्राइंड करा है। अगर आपको इसको ग्राइंड करते टाइम प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे ग्राइंड कर सकते हैं। फिर हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसमें देसी घी डालना है। उसके बाद जो भी हलवा हमने ग्राइंड किया था उसे हम देसी घी में डाल देंगे। थोड़ी देर हलवे को भूनने के बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड किए थे अब वो हम हलवे में डाल देंगे। आपको इसको ऐसे ही चलाते रहना है और पकाना है। ये हलवा खाने के बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ये आपकी एनर्जी पूरी निकाल देगा क्योंकि आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और आप कोई बाहुबली तो है नहीं जो इसको चलाते रहेंगे, तो ऐसा सोच लीजिए कि ये हलवा आपका कोई दुश्मन है और आपको इसे बहुत कूटना है। तो मैंने अपने घर के सारे लोगों से इसको खूब कुटवाया और फाइनली हमारा हलवा बन के तैयार है। अब हम इसे किसी भी चुन्नी मुन्नी प्लेट में सर्व कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं खाया जाता। तो गार्निश करेंगे इसे पिस्ता और काजू के साथ। और गर्मा गर्म हमारा एलोवेरा का हलवा बनके तैयार है। ऐसे ही मैंने गाजर का हलवा बनाया था, अगर आपको वो रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना। और प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।